सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम इस बार बहुत ही कम समय में तैयार करके जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सीबीएसई ने महज 28 दिनों में 13 लाख स्टूडेंट्स का परिणाम तैयार कर दिया है। इससे पहले परीक्षा परिणाम 20 मई के आसपास आना होता था। इस बार परिणाम 83.04% रहा है, जिसमें यूपी की हंसिका शुक्ला ने 499 अंकों के साथ टॉप किया है। वहीं उत्तराखंड की गौरांगी ने 498 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। रिजल्ट में टॉपर भी लड़कियों के हिस्से में गया है, तो वहीं पर इस बार 88.7% लड़कियां, 79.4% लड़कों का रिजल्ट जारी रहा। परीक्षा परिणाम आने के बाद राजधानी जयपुर के स्टूडेंटों के चेहरे खिले हुए दिखे, साथ में अपने भविष्य की प्लानिंग भी उन्होंने बताई। मतलब ऑलमोस्ट 80s की रेंज में एक्सपेक्टेशन थी और रिजल्ट अच्छा आया है। एंड लाइक ओवरऑल रिजल्ट सीबीएसई का गर्ल्स का भी ज़्यादा है और बॉयज़ का कम है। सो वैसे ओवरऑल सीबीएसई रिजल्ट अच्छा गया है, काफ़ी सारी परसेंटेज पास और अच्छे रिजल्ट्स में ही आए हैं। मेरी 93% आई है, स्ट्रीम है कॉमर्स मैथ्स। मैं आगे पढ़ाई से रिलेटेड तो कम ही करना चाहूँगा, लेकिन मैं क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा अपने। तो यही ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड आगे करें, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो और मन हो वही करना चाहिए आगे।